हेलो दोस्तों, मैं हूँ रज़िया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रज़िया पर। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ बिना एसी के किस तरह से आप गार्निशिंग बना सकते हो। पिछले वीडियो पे मैं आप सभी के साथ में गार्निशिंग का वीडियो शेयर की थी, जिसे आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मैम बिना एसी के, बिना स्लैब के और कम से कम टूल्स के साथ में किस तरह से हम गार्निशिंग बना सकते हैं। फ़ैन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी काम है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको फ़ैन बनाना आ जाएगा। लेकिन एनी रीज़न अगर आपसे फ़ैन नहीं बनता है तो किस तरह से आप इस सिलिकॉन मोल्ड का यूज़ करके आप फ़ैन बना सकते हो। आप मार्केट में देखे होंगे दोस्तों, इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड आजकल मार्केट पे आ रहे हैं गार्निशिंग के लिए। लेकिन इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, इसे निकालना सबके बस की बात नहीं है। अगर आपको ट्रिक ना समझ में आए तो ये फिर टूटने लगेगा। तो इसमें हम छोटे छोटे टिप्स आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी कि सिलिकॉन मोल्ड का किस तरह से यूज़ किया जाता है और बिना एसी का, इसमें आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, बिना एसी का आप किस तरह से गार्निशिंग बना सकते हो। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमने फ़ैन मोल्ड लिया हुआ है, ये सिलिकॉन फैन मोल्ड है। आपका पीवीसी में भी आता है, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिलिकॉन आपको इजीली हर जगह पे मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के गार्निशिंग मोल्ड आते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सब में लगभग टेक्निक एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पर हमने सिलिकॉन वाला फ़ैन मोल्ड हमने लिया हुआ है और साथ में हमने यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट किया है। चॉकलेट किस तरह से मेल्ट किया जाता है बिना माइक्रोवेव का, ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, लिंक वीडियो के नीचे और ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली चॉकलेट को मेल्ट किया है और इसे मैंने पाइपिंग बैग पे डाल लिया है। तो इसे सबसे पहले हम कट कर लेंगे और अब हम इस गार्निशिंग के अंदर डालेंगे। इस तरह से पाइपिंग बैग में भर के डालने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और बहुत ही सफाई से आप काम कर सकते हो। यह हमने डाला, अब इसको थोड़ा सा आप इस तरह से पहले फैला लीजिए। इस तरह से इसे आप पहले इवेनली स्प्रेड करिए। ओके, तो ये हमने इसे इवेनली स्प्रेड किया। अब आप इसे 3 से 4 बार इस तरह से टैप करिए ताकि इसमें जो भी छोटे मोटे एयर बबल्स रहे वो हट जाए। ये आप देखिए, ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पैलेट नाइफ है इसके किनारे से इस पर जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से इस पे जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट लगा है इसे आप साफ कर लीजिए। ओके, अब ये हमारा जो मोल्ड है इसमें हमने चॉकलेट पोर कर लिया। अब हम इसे रखेंगे फ्रीज में, डिप फ्रीज में। आप इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ये सेट हो जाएगा, उसके बाद हम निकालेंगे। तो 1 मिनट इसे हम डिप फ्रीज में रखते हैं। अब हमने इसे 1 मिनट तक फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था, अब ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। ये आप देखोगे ये बिल्कुल कड़क है, लेकिन इसे अभी हमने डीमोल्ट नहीं करना है। इसे कम से कम 30 से 40 सेकेंड के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ही आप इसे निकालिएगा, वरना ये टूटने लगेगा। तो पहले हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं 30 सेकेंड के करीब। अब हमने गार्निशिंग को तकरीबन 30 सेकेंड के करीब छोड़ दिया था, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लूज़ हो गया है। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे। ये आप देखिए, ये जो चॉकलेट वाला पार्ट है इसे हम नीचे की ओर रखेंगे, ठीक है। और ये हम हैंडल वाला स्क्रैपर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से बैक पे आप सपोर्ट दीजिएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से आप निकालोगे। इस तरह से बैक पे सपोर्ट दीजिए और धीरे धीरे बिल्कुल हल्के हाथों से निकालिए। ये अब देखिए, एक हम लोग का परफेक्टली निकल गया। सेम इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे। जस्ट यहाँ पे बैक पे आप सपोर्ट दीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे निकालिए।
ये आप देखें, बिल्कुल परफेक्ट निकला है। हर चीज़ आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर बाहर निकला है, चॉकलेट पे शाइन भी है। और ये आप देखिए इसका टेक्सचर। बहुत सारे लोग गार्निशिंग मोल्ड खरीद लेते हैं लेकिन निकालने टाइम उन लोग का टूट जाता है, तो इस ट्रिक को ज़रूर से आप ध्यान दें। सबसे पहले इसे एक मिनट के लिए आप डीप फ्रीज करिएगा, उसके बाद इसे आप निकाल के 30 से 40 सेकेंड के लिए आप छोड़ दीजिएगा ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लूज़ हो जाए, उसके बाद आप निकालिएगा। अगर आप फ्रीज से निकाल के तुरंत डीमोल्ड करोगे तो ये सारा का सारा टूट जाएगा, सही से नहीं निकलेगा। तो ये आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारा ये मोल्ड से गार्निशिंग बनके तैयार है, बिना एसी का हमने बनाया है। इस अगर आप गार्निशिंग मोल्ड का यूज़ करते हो तो आपको एसी की ज़रूरत नहीं है, फ्रीज से आप काम चला सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।